उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत कई अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में फाइनल सुनवाई आज होने जा रही है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ के समक्ष इन अपीलों पर बीते सोमवार को सुनवाई हुई थी। दलीलें यहां पर रखी गई थी, इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे और आज इसी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई जो है वो होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुनवाई होने जा रही है, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या कुछ दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान को मद्देनजर रखते हुए आज रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुनवाई होनी है और शिक्षा मित्र आज अपना पक्ष रखेंगे, जैसे कि आज भी जैसे पिछली सुनवाईयों में होता है, आज भी लंच के बाद ही इनकी सुनवाई होनी है क्योंकि सुनवाई बृहद स्तर में होती है, इसलिए लंच के बाद ही रखा जाए, उसे समय दिया जाता है। अगर हम बात करें दलीलों की, तो पिछली डेट थी उसमें जब शिक्षा मित्रों के वकील जो हैं वो यूएन मिश्रा जब अपना पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने एक दलील दी थी कि सरकार को ये अधिकार नहीं है कि कट ऑफ कम रखने का, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो कट ऑफ रखा गया उसमें शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए इतना ऊंचा कट ऑफ रखा गया है और शिक्षा मित्रों के लिए कट ऑफ कम किया जाए जिससे उनके साथ न्याय हो सके। तो ये एक बड़ी बात कही थी कि राज्य सरकार पर एक आरोप भी लगाया था कि वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों को इसमें समायोजित किया जा सके। तो अब आगे की आज भी उन्हें अपना पक्ष रखना, अब वो किस तरह से रखते हैं क्योंकि एक बार कोर्ट जो 68,500 में आदेश दे चुका है कि सरकार का ये अधिकार है कि वो कटाव निर्धारित करे, आज दलीलों से उन्होंने खंडन किया, तो ये अब देखना अहम होगा कि आज किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं और पक्ष के बाद ही निर्धारित होगा कि किस तरह से 69,000 भर्ती का भविष्य निर्धारित होगा। बिल्कुल, और एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को जो चुनौती है वो अभ्यर्थियों की तरफ से कहीं ना कहीं दी गई है, तो आज की सुनवाई पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो क्या कुछ उनका जो पक्ष वकील की तरफ से रखा जाए तो क्या कुछ पक्ष रखा जा सकता है आज सुनवाई के दौरान? जी देखिए, आज शिक्षा मित्रों को अपना पक्ष रखना है, शिक्षा मित्रों के वकील अपना पक्ष रखेंगे। जो बीटी से अभ्यर्थी है वो अपना पक्ष पहले रख चुके हैं और जो सरकार के महाधिवक्ता है वो भी अपना पक्ष रख चुके हैं। सरकार के महाधिवक्ता का कहना है कि हम गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए ये सरकार का अधिकार है कि जब शिक्षक भर्ती हो तो कट ऑफ निर्धारित किया जाए और सरकार ने निर्धारित किया। वही बीटी से अभ्यर्थियों का कहना है कि जब गुणवत्ता परक शिक्षा की बात होती है तो जब सरकार की तरफ से कटाव निर्धारित किया गया उसमें जो योग्य शिक्षक हो उन्हें ही मौका मिले, जिसको लेकर वो कोर्ट गए थे और कोर्ट में लगातार बहस चल रही है, जहाँ की एकल न्यायाधीश ने कटाव को कम करने का आदेश दिया था जिसमें शिक्षा मित्रों को एक उम्मीद की किरण दिखी थी, लेकिन अब जब डबल बेंच के पास में ये मामला चल रहा है, अब इसमें किस तरह से सुनवाई होनी है और किस तरह से फैसला आना है ये अहम होगा। लेकिन अगर कट ऑफ कम होती है तो शिक्षा मित्रों को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में है और कट ऑफ कम होने से उन्हें अधिक मौका मिलेगा क्योंकि उन्हें जो 25% का भारांक है उसका अधिक फायदा मिल रहा है, जिससे कट ऑफ कम होने की स्थिति में उनको अधिक लाभ मिलेगा और उनके लिए ज्यादा मौका मिलेगा। वही बीटीसी अभ्यर्थी भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब शिक्षा मित्रों को अधिक मौका मिल जाएगा तो उनके लिए मौके नहीं रहेंगे, इसीलिए ये बहस चल रही है और इसका जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा। बिल्कुल, लेकिन फैसले पर तो सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला चला आ रहा है क्योंकि लंबे वक्त से जो है ये मांग जो है चंद्रमणि हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है और यही वजह है कि लोगों की निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी हुई है। चंद्रमणि जी बिल्कुल, देखिए
शिक्षा मित्रों के मामले की अगर हम बात करें तो ये पिछले 20 सालों से लगातार चर्चाओं में है, चाहे इनकी नियुक्ति के बाद में जब से इनकी प्रक्रिया चल रही है, फिर इनका समायोजीकरण और फिर उसके बाद में भी विवाद, उसके बाद में दो बार में इनका नियमितीकरण, नियमितीकरण के बाद में हाईकोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर सरकार के पास सरकार को समायोजित करने का आदेश। तो ये जब से शिक्षा मित्रों का विवाद लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहता है और अभी भी शिक्षा मित्रों का विवाद लगातार चर्चा में है। अब वहीं पर जो ब्रिटिश अभ्यर्थी है वो 69,000 भर्ती को एक बड़ी भर्ती मान में है, तो वहीं पर अगर हम बीएड अभ्यर्थियों की बात करें तो 2011 के बाद उन्हें प्राइमरी परीक्षा, प्राइमरी शिक्षक के तौर पे फॉर्म भरने का मौका मिला था। तो ये तमाम अहम बातें हैं जो इसको चर्चा में लाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में करीब उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 16 लाख अभ्यर्थी टीटी का फॉर्म भरता है, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीएड और टीटी से जुड़े हुए अभ्यर्थी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बड़ी भर्ती है और 4 लाख अभ्यर्थी, और देखना होगा कि क्या फैसला यहाँ पर कोर्ट का रहता है। हालांकि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें रखी जाती है शिक्षा मित्रों के वकीलों के पक्ष की तरफ से, तो ऐसे में देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि जुड़ने के लिए।